हेलो फ्रेंड्स, मी सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं तिल और गुड़ का लड्डू बनाना सिखाऊंगी, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। अब तिल गुड़ का लड्डू बनाने के लिए मैं पैन चढ़ा ली हूँ। इसमें तिल को सूखा ही रोस्ट करना है, इसे धीमे आँच पे हल्का, जब फूल जाए तिल इतना भूनना है। 3 से 4 मिनट लग जाएगा भूनने में। ये तिल फूल जाए इतना ही, उससे ज्यादा नहीं भूनना है, इसे जल जाएगा। इसे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब तक ये ठंडा होगा तब तक आप गुड़ ले लीजिए और गुड़ को ग्रेटर पर ग्रेट कर लीजिए। आप उसे तोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से ग्रेट कर लीजिए। आप तेल के अनुसार गुड़ लेंगे, जितना आप तिल लेंगे उससे हाफ गुड़ लेंगे। तिल भी ठंडा हो चुका है, इसे मैं मिक्सर जार में डाल लेती हूँ और इसे थोड़ा सा हल्का एक बार चला के दरदरा उसे पीस लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, दरदरा ही रहेगा। उसके बाद उस पिसा हुआ मिक्सचर में मैं गुड़ भी डाल दी और 1 चम्मच करीब इसमें घी डालूँगी, देसी घी। इसे डालने से इसमें क्रीमी स्वाद आएगा, इसका टेक्सचर अच्छा होगा, लड्डू बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। इस सब चीज़ को एक बार फिर से चला लेना है मिक्सर जार में डाल के। चलाने के बाद इस टाइप का हो जाएगा। अब इसे एक बर्तन में निकाल ले। आप इसे ज़रूर बनाएंगे, बहुत टेस्टी लड्डू लगेगा। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस प्रकार से आप जितना बड़ा छोटा जैसा चाहते हैं वैसा शेप दे के लड्डू बना लें। और भी मेरा वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां जाके आप जरूर चेक कर लेंगे। ये लड्डू आप जरूर ट्राई करेंगे, बहुत ही जल्दी बन जाएगा और टेस्टी इतना कि मत पूछिए। खाने के बाद आप कहो उठोगे, वाह क्या स्वाद है। थोड़ा सा बना के आपको दिखाई हूँ। बनने के बाद देखिए लड्डू इस प्रकार का लगेगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में।